ठीक है, अब आप सबको आवाज आ रही है मेरी, मेक श्योर sure. अब सिर्फ मैं और आप पर फिलहाल स्टूडेंट्स नहीं आए। सदफ भी है, सदफ आवाज आ रही है अच्छा, आपको? सदफ को आवाज आ रही है? ठीक है सदफ, तो हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता दें. आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि ये थोड़ा सर सा, मुझे डिसेंट्रलाइज में है, मुझे समझ नहीं आ रही हाँ आप कुछ पूछें. कि इसमें ये होगा कि लाइक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर उस कंप्यूटर हाँ से और कंप्यूटर कनेक्टेड है, बस यहाँ तक ही रहेगा या ये नेक्स्ट फर्दर ऐसे ये प्रोसीड जितना करता आपके रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का साइज मैटर करता है ना, जितना ज्यादा काम होगा अच्छा उतने ज्यादा पीसीज होंगे, लाजमी बात है, तो वो उस पे डिपेंड करता है. ठीक है. चलो ठीक है सर। अच्छा आगे ये लिखा हुआ है, टाइपिकल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड. ठीक है, तो ये एक मिनट, जिशान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. जिशान को एक्सेप्ट कर लो. निशान आप बता दें कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया. जीशान आप मैसेज कर दीजिएगा फिर. अच्छा आगे हम पढ़ते हैं टाइपिकल टाइप्स जो हैं. एक मिनट जीशान. ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड लैन. ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अब ये हमने देखना है. नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता है कि हमें एक सर्वर से नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है एक क्लाइंट पे. क्लाइंट कौन होते हैं? हम होते हैं, हमारे पीसीज होते हैं. ठीक है, और हमारे डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, हम उन सर्वर्स पे से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इन सारों की ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये आपके इनके लैन हो गया, एब्रीविएशन सारा पता होना चाहिए. वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया. वी लैन वायरलेस लोकल नेटवर्क. ठीक है, एस ए एन हो गया. वाइल देयर आर सेवरल टोपोलॉजीज हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे. स्टार नेटवर्क, रिंग, बस. ठीक है, अब यहाँ से आगे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग शुरू होता है. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन बिटवीन. क्लाइंट सर्वर जो होता है ना, वो एक हमारा सर्वर होता है, उसके डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, हमारा पीसी कनेक्टेड रहता है. वो हम सर्वर जो होता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने उससे जो डिमांड की होती है. ठीक है, अब सर्वर क्या होता है? इज अ मशीन डेट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन. एक मशीन होगी जो कि एक स्पेसिफिक, एक खास पार्टिकुलर फंक्शन हमें बताएगी. और सर्विस रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट, जो कि हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से विद इन अ नेटवर्क सिस्टम. एक नेटवर्क सिस्टम होता है ना हमारा सारा. ठीक है, अब आगे हम देखें तो सर्वर्स कैन रेंज इन पावर टॉप एंड सुपर सर्वर्स. ठीक है, सर्वर्स टॉप एंड सुपर सर्वर से लेकर कैपेबल ऑफ ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क सर्वर्स टू लो एंड. टॉप सर्वर से लेकर लो सर्वर्स तक, ये सारे सर्वर्स विच आर टिपिकली अ पावरफुल कंप्यूटर. ये आप लाइन दोबारा मैं पढ़ता हूँ. सर्वर्स कैन रेंज इन पावर फ्रॉम टॉप एंड सुपर सर्वर्स केपेबल ऑफ ड्राइविंग थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क यूजर्स. इंटरनेट इन्फो प्रोवाइड करता है, तो इंटरनेट इज अ सर्वर्स. नो, इंटरनेट सर्वर नहीं है, लेकिन इंटरनेट का फॉर एग्जाम्पल आपने डीएसएल लगवाया हुआ है तो वो डीएसएल सर्वर होगा, वहाँ पे उनका सर्वर लगा होता है. आपने राउटर लगाया हुआ है तो वाईफाई राउटर जो होता है वो आपका वायरलेस सर्वर हो जाएगा. ठीक है, तो जिस चीज़ से वो आ रहा है तो वो सर्वर होगा, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अब हम वाईफाई ओपन करते हैं तो वाईफाई राउटर को बताता है ना, तो राउटर से सिग्नल आते हैं तो वो वायरलेस सर्वर हो गया. अब वायरलेस सर्वर भी आगे इंटरनेट किसी से ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे उनके सर्वर्स डिफरेंट होंगे. ठीक है जीशान, अब आगे जो हम पढ़ते हैं फाइल सर्वर्स. ठीक है, फाइल सर्वर क्या होता है?
ये कह रहे हैं वो आर यूज टू मैनेज द डेटा फाइल्स डेट आर एक्सेसिबल टू यूजर्स ऑफ द नेटवर्क. ऑल द शेयर डेटा फाइल्स फॉर द सिस्टम आर हेल्ड फाइल सर्वर. फॉर एग्जाम्पल, फाइल सर्वर वो होता है जो हमारी डेटा जो फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में, सी डी ऑप्शन होते हैं उसमें हमारे डेटा फाइल्स होती हैं, उसके अंदर फाइल सर्वर्स होते हैं. ठीक है, फाइल सर्वर्स जो होता है हमारा, हम कंप्यूटर से फाइल सर्वर्स मतलब फाइल्स ओपन करते हैं, अपनी फोल्डर्स ओपन करते हैं, उनके अपने अपने सर्वर्स हैं. नेटवर्क सर्वर क्या होता है, जो कि हमारा नेटवर्क में मैसेजेस जो होती है और अदर इक्विपमेंट्स इन द नेटवर्क टू अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क. हम नेटवर्क सर्वर्स में काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि इंटरनेट पे हो रही होती है. इन अदर वर्ड्स, नेटवर्क सर्वर्स मैनेज एंड कंट्रोल द रूटिंग ऑफ मैसेज विद इन कंप्यूटर. हमारे जो मैसेजेस कंप्यूटर के होते हैं वो नेटवर्क सर्वर्स पे ही हो रहे होते हैं. ठीक है, हमें कोई भी इशू आ सकता है इंटरनेट से रिलेटेड. तो आगे हम यहाँ तक आप सबका क्लियर है, एक दफा मुझे दोबारा तीनों आप बता दीजिए मैसेज करके या वॉइस में. ओके सर, सदफ आप बताएं. ठीक है, कुछ भी समझ ना आ रहा हो यहाँ पे, अगर आपके जहन में ना भी आ रहा हो, दोबारा आप पढ़ के आप मुझसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी लेंगे और इनशाला ग्रुप में भी आप सवाल सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा ताकि सारा कुछ क्लियर हो. सीपीयू, हमने सीपीयू पढ़ा भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है. ठीक है, अब सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंदर क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्या क्या होता है कह रहे हैं, तीन बेसिक चीजें होती हैं. कंट्रोल यूनिट होता है हमारा, ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ से पता लगा कि सीपीयू के अंदर भी चीजें होती हैं, वो सारा कुछ कर रही होती हैं. जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के हमें अंदर हमें पता होता है, अगर किसी ने बायो पढ़ी हो तो सेलिब्रम होता है, सेलिब्रियम होता है, मोडुला होता है, ऐसी नेम्स होते हैं. ठीक है, साइंस में भी हमने पढ़े. तो ऐसे ब्रेन अगर है सीपीयू कंप्यूटर का, तो उसके अंदर भी कोई चीजें होंगी स्पेसिफिक जो कि पर्पस कर रही होती हैं सारा. ठीक है, अच्छा मॉडर्न पीसीज जो होते हैं वो बहुत कह रहे हैं फास्ट होती हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन हर सेकंड में हम सेंड करते रहते हैं और वो सारा काम होता रहता है. ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स नाउ टू कंटेन मोर देन वन सीपीयू. भाई एक कंप्यूटर के साथ अब हम दो तीन चार जितने मर्जी सीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं, उसका मसला भी नहीं है. उसे क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग. ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक कंप्यूटर के साथ ज्यादा सीपीयू कनेक्टेड हो. फर्दर मोर सम माइक्रो प्रोसेसर कैन कॉन्टेन मल्टीपल सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड अ मल्टी कोर प्रोसेसर. कैसे, सम माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में कैन कंटेन मल्टीपल सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप. ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे सीपीयू अब हो गए हैं. ठीक है, किसी ने देखे हो तो, अगर छोटे छोटे सीपीयू हो गए हैं अब वो डब्बे की तरह होते हैं और वो काफी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ. ठीक है, आगे हम देखते हैं, एज वेल एज द कोर कंपाउंड्स ऑफ अ सीपीयू कैन आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंट्रोल यूनिट क्या होता है, अच्छा ये पढ़ लें. एज वेल एज द कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिस्टम सिस्टम बस रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, कैशे होता है, मदरबोर्ड होता है. ठीक है, कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू ये देखते हैं, इसमें सिस्टम बस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है. ये कह रहे हैं तीन चीजें बेसिक होती हैं लेकिन उसके अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के. तो वो हमें बताया हुआ है, सिस्टम बस होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, कैशे होता है, मदरबोर्ड होता है. तो आज हम ये पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट. पहला पढ़ते हैं, द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. जो कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा हम देते हैं कंप्यूटर में, वो जो होती हैं वो कंट्रोल यूनिट उसको मैनेज कर रहा होता है. द कंट्रोल यूनिट एक्सेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी वाया बस. जो बस होता है, आगे हम बस पढ़ेंगे सिस्टम बस क्या होता है, लेकिन ये कह रहा है बस के जरिए कंट्रोल यूनिट जो होता है वो जो इंफॉर्मेशन होता है उसको देख रहा होता है सारा. डिकोड्स देम देन एक्सक्यूज देम बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड. फिर इसको आउट भी करता है. फॉर एग्जाम्पल हमने इंटरनेट से, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, हमने स्कैनर से, प्रिंटर से, हमने टाइपिंग की, कीबोर्ड से टाइपिंग की, वो जो पीसी में गई,
ठीक है, हमने स्कैनर से आउट कर दी। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये टाइपिंग करके प्रिंट निकालना, ये सारा कंट्रोल यूनिट देखेगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन कैसे गई बस के जरिए गई वो आगे बढ़ते हैं। द कंट्रोल यूनिट आल्सो कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि इनपुट लाजमी बात है इन्फॉर्मेशन भेजती है, तो आउटपुट जो है वो कर लेती है। ऑल द पासिंग ऑफ डेटा द ALU फॉर कंप्यूटेशन। अच्छा, आगे हम ALU पे आ जाते हैं। The arithmetic logic unit ALU performs are the mathematical and logical of calculations. अब हमें arithmetic name से ही पता लग गया कि ये जो है, ये जो divide, multiply, addition, subtraction, ये चीजें कर रहा होता है, ठीक है। The ALU is comprised of complex electronic circuitry. मतलब इतनी तेजी से calculations क्यों करता है? क्योंकि ये ALU है, ये इसके अंदर लगा हुआ है और ये सारी calculation देख रहा होता है। Note that despite the seemingly limitless uses that have been found for computers nowadays, they are all built with CPUs that can accessible essentially only perform simple arithmetic operations. कह रहे हैं बस आप यही समझ ले, arithmetic logic unit जो है ये आपकी सारी calculations जो CPU में computer कर रहा होता है ये सारा यही कर रहा था। Registers क्या होता है? Registers are special memory location within the CPU that can be accessed extremely fast. These are used to store the data that is to be accessed next by the control. ये data store करता है registers. अब हमने पढ़ा ये जो control unit है ये information को देखता है और फिर आगे answer करता है कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है। तो आगे आंसर करने से पहले रजिस्टर जो है वो इंफॉर्मेशन को सेव कर देता है। स्पेशल मेमोरी लोकेशंस होती हैं वहां पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। फिर कंट्रोल यूनिट कहता है भाई मुझे ये दो और मैं आगे देखूं। रजिस्टर मेमोरी बैंक्स हैं, जी जी बिल्कुल रजिस्टर मेमोरी बैंक्स हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन पहले स्टोर करता है, फिर कंट्रोल यूनिट के हुक्म से ये कहता है, कंट्रोल यूनिट कहता है मुझे दो मैं आगे काम करूं इंफॉर्मेशन। लेकिन कंट्रोल यूनिट पे पहुंचने के लिए बस चाहिए होती है, एक तरह की बस है। पहले रजिस्टर सेव करता है सारी इंफॉर्मेशन, फिर बस पे वो इंफॉर्मेशन बैठ के कंट्रोल यूनिट जाती है, फिर कंट्रोल यूनिट जो है आगे फंक्शन करता है, ठीक है। अब हम सिस्टम बस पे आ जाते हैं, आखिरकार ये है क्या? अब बस रेफर्स टू एन इंफॉर्मेशन हाईवे बिटवीन द सीपीयू दैट परफॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर। कह रहे हैं भाई बस पे सारी चीजें जा रही होती हैं, ठीक है। अब बस कंप्राइजेस बंडल्स ऑफ टिनी वायर्स, ठीक है, दैट कैरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये जो अब आपको एक समझ आ जाएगा, ये पहले भाई रजिस्टर होती हैं, ये जो निशान ने का मेमोरी बैंक्स, ये मेमोरी को स्टोर करती हैं, फिर जो कंट्रोल यूनिट हमारा होता है ये हमें ये कहता है रजिस्टर को भाई मुझे भेज दो इन्फॉर्मेशन, मैंने आगे काम भी करना है। वो कह रहे हैं, बंदे कह रहे हैं हमें प्रिंट निकाल के दो जो कीबोर्ड से टाइप किया। तो फिर बस पे वो इन्फॉर्मेशन भाई रजिस्टर भेज देता है। रजिस्टर क्या करता है? बस पे वो बिठा के भेज देता है। तो वो जो सिस्टम बस है वो जाती है कंट्रोल यूनिट के बाद पास, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो स्कैनर से इजाज़त मांगता है, प्रिंट सर्वर से इजाज़त मांगता है। जैसे सर्वर्स होते हैं ये बहुत एक कम्प्लेक्स चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है भाई? हमें सबको पता है हमारे मोबाइल में एक मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक होती है रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क को कहते हैं, स्टोरेज को कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये क्या होता है? बेसिकली ये कंप्यूटर की स्पीड देख रहा होता है, ठीक है। इट इज अ मेमोरी डेट इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू को डायरेक्टली अवेलेबल होती है। और जो बाकी होती है रीड ओनली मेमोरी, वो उस पर हमारा डाटा पड़ा होता है, स्टोरेज होती है। रैम होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स इन करंट यूज, जो कि करंट यूज में डाटा होता है ना, ये उसको मैनेज कर रहा होता है, ये कंप्यूटर की स्पीड मैनेज कर रहा होता है और ये उस चीजों को चला रहा होता है। जब आप मोबाइल में कोई चीजें ओपन करेंगे तो रैम जो होती है मिनिमाइज करते हैं कोई चीजें तो रैम कम हो जाती है, जब वो हटा देते हैं ऑफ कर देते हैं सारी एप्लीकेशन तो रैम ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो है ना ये स्पीड देखती है और चीजों को चला रही होती है, ठीक है। बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये सवाल आपका है रजिस्टर मेमोरी बैंक्स हैं वोलेटाइल मीन। अच्छा वोलेटाइल भी मैं आपको बता देता हूँ। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज रैम एंड रोम, ठीक है। विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रोम इज अ मेमोरी चिप इनटू विच फिक्स्ड प्रोग्राम्स आर रिटन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। इन दोनों में ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा निशान का सवाल है क्या ये वोलेटाइल है रजिस्टर? नहीं, ये वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। और ये हम ये चेंज भी हो सकता है ये कंप्यूटर में, ठीक है।
वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस बता दें। ठीक है निशान, वोलेटाइल जो होती है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वो खराब होते साथ ही चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर, ये जितने भी चीजें हैं ये हम चेंज कर सकते हैं, वोलेटाइल डिक्स उसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर नॉन वोलेटाइल बोलूं तो वो आपको पता लग जाएगा इसका उलट ही होगा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि जब इसके रिटेनिंग डाटा इवन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द पावर सप्लाई, मैं आपको सिंपल से बता देता हूं इसका। अच्छा ठीक हो गया, ये आपने पूछा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस बता दें। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल वो होता है जब आप पीसी को ऑफ कर देते हो तो उसकी जो डेटा है वो लूज कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई आपने वर्ड की फाइल खोली हुई है, लाइक मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने वोलेटाइल सॉरी बैंक ये वर्ड पे मैंने ना अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे डेटा वगैरह सारा लिखना है। अब मैं डायरेक्ट पीसी को ऑफ करूं तो ये उड़ जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये वोलेटाइल हो गया, ठीक है। ये वोलेटाइल चीज होती है। तो हमारा जो बाकी जो चीजें होती है ना नॉन वोलेटाइल, उसमें ये होता है कि हमारी जो चीजें होती हैं वो उड़ती नहीं है। अगर हम रेंडम एक्सेस मेमोरी है ये अगर हम देख लें तो ये क्या होगी, ये वोलेटाइल होगी। क्यों वोलेटाइल होगी? क्योंकि ये इसकी मेमोरी जब हमारा पावर ऑफ हो जाता है मोबाइल या कंप्यूटर तो ये इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, ये सारी एप्लीकेशन बंद कर देता है, ये फिर काम नहीं करता। अब अगर हम देखें ना रैंडम रीड ओनली मेमोरी ROM, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ROM, ये हार्ड डिस्क होती है, इसमें जो भी हम सेव करते हैं वो सेव हो जाता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। ये चेंज नहीं होता, मतलब ये जो होता है ये पावर ऑफ होने के बाद हमारा जाया नहीं करता कुछ भी, ठीक है। वोलेटाइल, ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा कैशे क्या होता है? कैशे आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि वो कहते हैं क्लियर करो कैशे। भाई कैशे क्या होता है? वो एक्स्ट्रा चीजें हमारी सेव कर देता है, मोबाइल में भी सेव कर देता है और हमारे उसमें भी सेव कर देता है, लैपटॉप में भी सेव करता रहता है, लेकिन मोबाइल में जल्दी ऑप्शन दे देता है क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है मोबाइल में, हार्ड डिस्क वगैरह, तो इसीलिए कैशे होता है। तो ये कैशे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैशिंग इन्वॉल्व स्टोरिंग रिसेंटली यूज इन्फॉर्मेशन सो डेट इट कैन बी क्विकली असेस्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अभी इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी वो स्टोर कर देता है जो इसी वक्त रिसेंटली हुई होती है, ठीक है। लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पे आप ये सीखें, ये जो कैशे होता है ये चीजें जो फालतू भी होती है वो भी सेव कर देते हैं, ये एक मेमोरी ले लेते हैं अपने पास, इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। अब प्रोसेसर कैशे क्या होता है? दिस इज एन इनक्रेडिबली स्मॉल कैशे दैट सिट्स ईदर डायरेक्टली विद इन द सीपीयू। लेवल वन की कैशे होती है, ये सीपीयू में डायरेक्ट होती है और वेरी क्लोज टू लेवल टू होती है। प्रोसेसर कैशे माइट कंटेन टिनी ब्लॉक्स ऑफ डाटा सच एज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शन जो अभी यूज हुई होती है ये प्रोसेसर कैसे उसे देख रहा होता है। मेमोरी कैशे इज अ लार्जर देन प्रोसेसर कैशे, इससे लार्ज होता है एंड रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग अ स्मार्ट पार्ट ऑफ रैम, ये रैम का थोड़ा सा पार्ट यूज करते हैं एज कैशे, ठीक है। डिस्क कैशे क्या होता है? इज लार्जर स्टिल एंड डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम दैट इज यूज फॉर कैशिंग। फॉर एग्जाम्पल आर टिपिकल डिस्क कैशे फॉर 1 TB हार्ड ड्राइव माइट बी, ये देखो कह रहे हैं 1 TB, 1 TB क्या होता है? 1024 GB इसमें होता है, ठीक है, 1024 GB इसमें एक में होता है। हार्ड ड्राइव ये कह रहा है कि 32 से 64 MB जो है ये जगह पकड़ ही रहता है। अब मोबाइल में भी हमारी होती है तो वो जगह पकड़ लेते हैं और हम उसको क्लियर कर देते हैं तो हमारी जगह फ्री हो जाती है, वो कैशे जगह पकड़ती है, ठीक है, जो कि हम फाइल्स यूज कर रहे होते हैं रिसेंटली, ठीक है। आप मोबाइल में भी जाएंगे तो आपको कैशे का मिलेगा, जब आप क्लियर में जाएंगे ना और स्टोरेज क्लियर करेंगे वहां पे आपको कैशे की ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। 102 KB से, अच्छा जिशान का सवाल है, 1024 KB से 1 MB बनता है, हाँ 1024 KB से 1 MB बनता है, फिर 1024 MB से 1 GB बनता है, फिर 1024
जीबी से 1 टेराबाइट बनता है, मतलब टीबी बनता है 1 टेराबाइट। ठीक है, ठीक हो गया। ब्राउजर कैशिंग क्या होता है? ब्राउजिंग कैशिंग ऑकर्स व्हेन वेब पेजेस और कंटेंट्स, ये देखो जब आप वेब पेजेस भी खोलते हैं ना, वो कह रहे हैं टेम्परेली वो उसकी भी मेमोरी सेव कर देता है ये कैशे। तो ये जो कैशे है ना, ये मेमोरी सेव करता रहता है, थोड़ी थोड़ी करता है, ज्यादा नहीं करता। जैसे कि इसने बताया 1 टेराबाइट में 32 से 64 मेगाबाइट सेव कर लेता है, तो मतलब थोड़ी बहुत ही यूज करता रहता है। हमारे जैसे अगर 32 GB हो तो इसमें भी 2-3 MB की यूज कर लेता है। ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है? अच्छा, द मदर बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक मेन सर्किट बोर्ड है भाई, ये ज्यादा काम करता है। ALU वो सारा कुछ तो है, लेकिन इसके बाद हमारा एक मदर बोर्ड भी कंप्यूटर में लगा होता है, विच ऑल द वेरियस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। सारे कंपोनेंट्स इस पे कनेक्टेड होते हैं। ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट, बस वगैरह, ये इस पे लगे होते हैं, मदर बोर्ड। अब हमें थोड़ा थोड़ा हमारे जहन में बन रहा है कि अच्छा ये क्या क्या चीज होती है। सम कंपोनेंट्स सच एज द CPU एंड RAM आर प्लग डायरेक्टली इनटू द मदर बोर्ड। ठीक है, कह रहे हैं सीपीयू और रैम डायरेक्टली मदरबोर्ड में लगे होते हैं एंड कम्युनिकेट थ्रू बसेस। ठीक है, बसेस जो होती हैं भाई, ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन इधर उधर ले जाती है, ये बस का काम ही करती है, इसलिए इसका नाम बस रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। इंटीग्रेटेड विद इन द मदरबोर्ड अदर कंपोनेंट सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेस द मदरबोर्ड थ्रू वेरियस इंटरफेस एंड कंट्रोलर्स। कह रहे हैं कि मदरबोर्ड पे सीपीयू और रैम तो डायरेक्टली कंट्रोल डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, प्लग्ड इन होते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें होती है ना, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, वो थोड़ी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती, वो किसी जरिए से होती है। लाजमी बात है, कीबोर्ड माउस वगैरह सीपीयू के अंदर थोड़ी होते हैं, बाहरी होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और मैं आपको टिप्स भी थोड़ी दूंगा कि आईटी को कैसे क्लियर करना है। ये आपने रट्टे नहीं मारने, बिजनेस कम्युनिकेशन का भी मैंने यही बताया, रट्टे नहीं मारने, ये आपने पढ़ना है आराम से समझ समझ के। जब सवाल आएगा आपको इंशाल्लाह इतने आराम से समझ आ जाएगी कि यार ये क्या क्या रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपल सा सवाल आ जाएगा और आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ। तो अब आपको अगर मैं पूछूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं सदफ से पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने नहीं बोलना, सदफ मैसेज में बता दें बेशक कि इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर कौन सी चीज ले जाती है। बसेस, ठीक है, ऐसे MCQs हो गए। अब जिशान से मैं पूछूंगा, ठीक हो गया सिस्टम। बस जिशान, आप ये बताएं कि हमने अगर एक ये बता दें कि जो कि रैम है उसका मेन पर्पस क्या है। रैम का मेन पर्पस बता दें जिशान। तो जिशान टाइपिंग कर लेगा, हाजरा आप अपना माइक ऑन कर लें। जी सर, अच्छा हाजरा, आप ये बताएं कि ये जो ALU है इसका मेन पर्पस क्या है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हाँ, इसका मेन पर्पस क्या है। सर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी करता है। मींस के हम इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर जाके वो ये CPU का ही सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें हम ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ठीक हो चीजों गया। अच्छा, आई होप सो, आप सबको, आप 3 बंदे थे, और मैं बाकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, जो कुछ बच्चे हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, 9-10 थे, तो रिकॉर्डिंग भी मैं सेव कर दूंगा, और ग्रुप में आप पूछें भी, आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, डेली का डेली जो मैं पढ़ाऊंगा आपने सिर्फ पढ़ना है, मेरा इतना आपने काम करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो आपने डेली का डेली पढ़ते रहना है साथ साथ, ताकि मुझे अच्छे तरीके से पता हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। हर मंडे को आपका टेस्ट भी होगा, मैंने आपको स्केड्यूल शेयर किया गया है, ताकि आपको कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए कि आप इंशाल्लाह एग्जाम दोगे और आपको सब शेयर सब आता होगा, आपको सब सवाल आते होंगे, बस आपने मेरा साथ देना है। ठीक है, और हमने कोर्स आउटलाइन जो दिया हुआ है वही फॉलो करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर और कल का जो लेक्चर होगा वो अपने टाइम पे ही होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो अस्सलाम वालेकुम, हम अपना आज का दूसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल पहला था, आज दूसरा। तो
आपके साथ अभी आप मुझे ये बता दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ मेरी? यस सर, हो रही है। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था वो था जी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इनपुट आउटपुट, इसमें सीपीयू वगैरह, स्टोरेज वगैरह, सारी ये सारा कुछ पढ़ा था। कंप्यूटर हार्डवेयर हमने पढ़ा था, इसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सारा कुछ ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। सिस्टम आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया था, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग हो गया था, ठीक है। और इसमें हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, सीपीयू में क्या क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू वगैरह, ठीक है। इसके बाद मदरबोर्ड भी पढ़ लिया था। अब हम आते हैं इनपुट डिवाइसेज पे। इनपुट डिवाइसेज आज का बहुत ही इजी टॉपिक है। इनपुट डिवाइसेज क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, एंटर करने के लिए यूज होते हैं। फिर उसके हेल्प से एक मिनट मैसेज जी, ठीक है, उसकी हेल्प से हम एंटर करते हैं और फिर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, और फिर आउटपुट जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है उन सारी चीजों को और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अच्छा, ये कीबोर्ड हमने पहले पढ़ना है, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस दैट आर पार्ट ऑफ वर्चुअली आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। कीबोर्ड्स कैन बी स्टैंड अलोन एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर with a capable or through a wireless connection, or they might be integrated to the computer itself such as with a laptop or notebook. इसकी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड जो होते हैं, आपको पता है कि कीज प्रेस करने से हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, हमें उस क्यों करते हैं, हमें प्रिंट भी चाहिए होता है किसी चीज़ों का, हम तब भी टाइप कर सकते हैं, उसके अलावा भी हमें कोई पैराग्राफ कुछ भी टाइपिंग करनी होती है तो हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। आगे अगर हम आए तो टच सेंसिटिव स्क्रीन्स होती हैं, टच पैड्स होते हैं, आपको इसका भी पता है कि हम मोबाइल हमारे पास है आजकल और हम टाइपिंग भी करते हैं, कीबोर्ड उसमें भी होता है। उसके अलावा भी उस पे अ रीसेंट ट्रेंड हैज बीन टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग द कीबोर्ड इनटू द टच स्क्रीन कीबोर्ड्स, ठीक है, ठीक है। टच स्क्रीन और टच पैड्स होते हैं, उसमें भी हमारे पास वायरलेस भी होते हैं, और यहाँ पे लिखे कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया केबल और वायरलेस होते हैं। हम टच स्क्रीन लैपटॉप, पैड, माइक्रोफोन जरा अपना ऑफ कर दीजिएगा हाजरा, ठीक हो गया। टच सेंसिटिव स्क्रीन्स और टच पैड का भी आपको पता है। इसके आगे हम एग्जाम्पल टच स्क्रीन्स की क्या क्या है, आपको पता है कि टू बाय अ ट्रेन टिकट और बस टिकट और बैंक एटीएम मशीन्स में भी टच स्क्रीन्स लगी होती हैं। इनपुट हम करते हैं तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रिक्वायर्स द इनपुट मीडिया टू बी फॉर्म्ड ऑफ स्पेशली फॉर्मेटेड कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। These characters are often then read automatically using a specialized reading device card MICR. The most common example of MI is the banking industry with the use of check and deposit slips. ये एक मशीन होती है जिससे हम ये कह रहे हैं इंक कैरेक्टर से हम इनपुट करते हैं मीडिया टू बी फॉर्म स्पेशली फॉर्मेटिक कैरेक्टर्स, एक फॉर्मेटिक कैरेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए प्रिंटर्स, ठीक है, प्रिंटेड करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक आपके लिए रखा हुआ है, ये होता है MICR जो कि बैंक्स में यूज होता है, और हम इससे चेक जो है वो करते हैं, हम इससे चेक अपने प्रिंट करते हैं, ये होता है आपका MICR, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडिंग क्या होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इज अ सिमिलर टू MICR दैट इज इट इज ऑटोमेटेड इनपुट मेथड। OMR इन्वॉल्व्स मार्किंग a pre-printed form with a pen or type line in an appropriate box. The card is then ready for by an OMR device which senses the mark in each box. Uses can include marking test. अच्छा, इसमें ना ज्यादातर जो surveys होते हैं ना हमारे, उसमें छोटे छोटे box को mark करने के लिए, print करने के लिए या tick करने के लिए, ऐसी चीजें के लिए ये हमारा optical mark reading OMR use होता है। ये MICR की तरह है लेकिन ये थोड़ा सा different होता है। ये आप देख रहे हैं, ये surveys के लिए या population count या जैसे कोई और survey हो रहा हो government की तरफ से, तो ये उसके लिए use होता है, ठीक है। OMR इसको कहते हैं, और इस पे टाइपिंग प्रिंटेड होती है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये
और आगे स्कैनर्स एंड ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, OCR है। OCR क्या होता है? स्कैनर्स रीड टेक्स्ट। OCR बेसिकली ना जो हमारे इमेजेस में टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट वो हमें दिखा रहा होता है कि आखिर ये इमेजेस कैसी, इमेजेस में टेक्स्ट कौन कौन से लिखे हैं, ठीक है। वो बड़े जूम करके पिक्सल्स देख सकता है। स्कैनर्स रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस प्रिंटेड ऑन पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्मेट द कंप्यूटर कैन यूज द रेजोल्यूशन। Pixels are minute areas of illumination on a display screen which taken together from the image can normally be adjusted to reflect. ठीक है, some scanners यहाँ से अगर आप देखो तो some scanners incorporate optical character recognition software which translates the image into editable text. For this to work accurately, the input devices must be high quality print. High quality print में होता है, इसमें मैं आपको मजीद एक और diagram अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। OCR जो है हम इमेज को ना टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके हाई क्वालिटी प्रिंट होना चाहिए, तब भी हमें पता लगेगा कि टेक्स्ट इमेज से कैसे निकल सकता है, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है, माइस ट्रैकबॉल्स एंड सिमिलर डिवाइसेज, आपको माउस का पता है, ट्रैकबॉल डिवाइसेज भी है, पॉइंटर कर्सर मूवर जो होते हैं स्क्रीन पे मूव करते हैं, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। टच सेंसिटिव पैड्स एंड जॉयस्टिक्स, ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये पहला चैप्टर इतना बेसिक है कि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको इनमें से भी कोई चीज समझनी हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। वॉइस डाटा एंट्री क्या होती है? वॉइस डाटा एंट्री आपको पता है कि मैनी कंप्यूटर कैन नाउ एक्सेप्ट वॉइस इनपुट वाया अ माइक्रोफोन, जैसे कि गूगल में वॉइस का डिवाइस होता है, आप उसको क्लिक करते हो, वो कहते हैं चलो बोलें, हम बोलते हैं तो वो टेक्स्ट खुद ही लिखा आ जाता है, तो वो होता है वॉइस डाटा एंट्री। तो ये एक इनपुट डिवाइसेज है, हमारी वॉइस पिकअप करके टेक्स्ट बना लेता है, ठीक है। टाइपिंग अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हर डिवाइस में आजकल ये होता है। वन पार्टिकुलरली यूजफुल एप्लीकेशन इज फाउंड इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम दैट सपोर्ट सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन, ठीक है। Another example might be in a smartphone, ये जो मैंने अभी दी, where you can enter commands orally rather than by typing, for example with an instruction such as call office, ठीक है, ये वही जो मैंने अभी दे दी एग्जाम्पल। बार कोड्स क्या होता है? क्यू आर कोड्स क्या होता है, ठीक है। बार कोड्स और क्यू आर कोड की मैंने यहाँ पे बहुत एक अच्छी पिक्चर रखी हुई है जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा बारकोड और ये होता है हमारा क्यूआर कोड, ठीक है। ये बारकोड आपने देखा होगा जब आप शर्ट्स या कोई ड्रेसेस वगैरह बाय करते हैं तो ये उस पे होता है, और ये जो क्यूआर कोड होता है ये हमारे इंटरनेट पे भी होता है, काफी और जगहों पे क्यूआर कोड होता है जहाँ पे हम कुछ बाय करना चाहते हैं। ये क्यूआर कोड मोबाइल से भी हो जाता है, और बारकोड के लिए डिफरेंट थोड़ी मशीन्स होती हैं, वो भी मैं आपको एक मशीन दिखा देता हूँ। ये बारकोड रीडर भी है, और ये मशीन जो है ये आपका क्यूआर कोड रीडर भी है, ये आपने दुकानों पे या बड़े बड़े मार्केट्स में मॉल्स में देखा होगा, ठीक है। तो ये बारकोड और क्यूआर कोड की मैंने इसलिए दिखाई ताकि आपके जहन में ये पिक्चर भेज बैठ गए, ठीक है। बारकोड्स आर द ग्रुप्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स, फिर इसके बारे में बताया हुआ है कि बारकोड क्या होता है और क्यूआर कोड क्या होता है। अब इसके आगे एक और है, पॉइंट ऑन सेल, ये ईपोज नाम से है, और इसका भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ईपोज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल विच इज नॉर्मली इंटीग्रेटेड विद बारकोड्स। ईपोज अलाउस क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स टू बी रीड, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड को भी देखते हैं हम, ये क्या चीज है, इसकी भी मैंने एक पिक्चर आपके सामने मैं ले आता हूँ, ये देखें। ये आपको पता होगा कि ये भी मॉल्स में लगा होता है अक्सर, हम वो बारकोड्स या क्यूआर कोड से नहीं करते, इससे भी कर लेते हैं, ठीक है। इस पे ये टच भी कर सकते हैं, ये इनपुट डिवाइस है, और इसमें भी हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके एटीएम मशीन एटीएम कार्ड्स भी एक्सेप्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इससे इनपुट डिवाइसेस में सवाल आ सकता है, बार कोड, क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ईपोस। डिजिटल कैमराज, डिजिटल कैमराज के बारे में आपको पता है, कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अलोन डिवाइस, स्टैंड अलोन यूनिट्स, और दे एक मिनट और दे मे बी इंटीग्रेटेड इनटू अदर टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन्स
Tablet computers, digital cameras capture images and videos in digital form and allow easily transfer. अच्छा ये picture खींचती है ना digital camera से, हम camera से picture लेते हैं. Digital cameras are used in many situations. ठीक है, कैसे? Marketing material में use कर सकते हैं, recording of crime scenes के कर सकते हैं, और by an auditor on a year end inventory count. Digital camera हम बाकी भी काफी चीजों के लिए use कर सकते हैं, input device है. ठीक है, अब आगे आ रहा है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है और इसकी हद क्या है, लिमिटेशंस क्या है. कीबोर्ड्स बेनिफिट क्या है, इसका कॉमन है, सिंपल है, चीप है, आम है, हर जगह यूज होता है, सिंपल तरीका होता है, सस्ता होता है, इसका ये बेनिफिट है भाई. अच्छा लिमिटेशन क्या है, लेबर इंटेंसिव एंड स्लो, ये थोड़ा स्लो है, प्रोन टू एरर, मसले भी कर सकता है. ठीक है, टच सेंसिटिव स्क्रीन्स एंड टच पैड्स सेव स्पेस. ठीक है, कह रहे हैं अब हम जगह वो सेव करता है. इंटीग्रेटेड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वेरी यूजर फ्रेंडली एंड अच्छा ये जो है ना टच सेंसिटिव स्क्रीन, ये बहुत ही इजी, इसका भी तरीका है, ये यूजर फ्रेंडली है. लिमिटेशन क्या, कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रेस द टेक्निक्स फॉर एक्यूरेट डाटा एंट्री. ठीक है, डाटा एंट्री के लिए इतना जल्दी ये काम नहीं करता. लेबर इंटेंसिव एंड स्लो है, एक्सपेंसिव भी है टच सेंसिटिव स्क्रीन जो है. ठीक है, एक्सपेंसिव भी है. ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है क्योंकि इसमें से काफी हमारे सवाल आ सकते हैं. और मैग्नेटिक इंक करेक्टर क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है. MICR डॉक्यूमेंट्स आर एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लिमिटेशन ये है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, अच्छा ऑप्टिकल मार्क रीडिंग क्या होता है, OMR. अच्छा स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसकी भी बड़ी अच्छी स्पीड एंड एक्यूरेसी होती है. OMR डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं जैसे कि मैंने बताया था. ये सेम तरह की चीज होती है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अलाउ आल्सो अ रिस्क ऑफ स्क्वायर डॉक्यूमेंट्स मार्क मेड आउटसाइड द अलॉटेड बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सर्वे के लिए भी यूज होता है, तो ये बॉक्स से आउट भी लिख लेता है. ठीक है, इसकी मशीन जो होती है. स्कैनर्स एंड ऑप्टिकल करेक्टर, OCR क्या होता है, एक्सीलेंट फॉर इनपुटिंग ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट क्विकली, अच्छा है, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, टेक्स्ट भी जल्दी से शो कर देता है. लेकिन लिमिटेशन क्या है, कैन बी स्लो टू स्कैन मल्टीपल इमेजेस, कभी कभी जो इमेजेस होता है ये उसको रीड ही नहीं कर पाता, हमें टेक्स्ट ही नहीं दे पा रहा होता. फाइल साइज माइट बी लार्ज फॉर हाई क्वालिटी स्कैन, हाई क्वालिटी हमें फाइल चाहिए, प्रिंट चाहिए, ताकि ये उसको स्कैन कर सके आराम से. OCR कैन बी समवट इनएक्यूरेट इफ इनपुट इमेजेस लो क्वालिटी, लो क्वालिटी होगी तो OCR कभी काम कभी कभी नहीं कर पाएगा. अब आगे अगर हम देखें तो माइस एंड ट्रैक बॉल डिवाइसेस, इजी टू यूज एंड वेरी कॉमन, चीप एंड सिंपल, इजी है, कॉमन है, चीप है, सिंपल है. लिमिटेशन क्या है, स्लो एंड कैन बी प्रोन टू एरर, मसले पड़ सकते हैं इसमें भी, स्लो भी हो सकता है. ठीक है, वॉइस डाटा एंट्री कन्वीनियंट एंड सिंपल, हमारी जो बोलना है, हमारा जो बोलना है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कैन बी इनएक्यूरेट एंड अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरफेस नॉइज, अब फॉर एग्जांपल हम कुछ बोल रहे होते हैं, वो पीछे से किसी की आवाज आए तो वो भी पिक कर लेता है, तो ये मसला हो जाता है, ये लिमिटेशन में आ जाता है. ठीक है, वो भी पिक कर लेता है और कोई गलत वर्ड भी दे सकते हैं. ठीक है, अच्छा बारकोड्स आर वेरी कॉमन एक्यूरेट एंड क्विक, बारकोड का बड़ा अच्छा है, वो मशीन स्कैन करती है और डायरेक्ट हमारे प्राइसेस आ जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी टाइम सेविंग है. डैमेज बारकोड्स आर इम्पॉसिबल, लिमिटेशन में क्या है कि डैमेज भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये अपनी हालत में. इनकम्पेटेबिलिटी इश्यूज इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारकोड्स आर रिसीव बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारकोड्स अगर आ जाते हैं तो वो जो किसी चीज की कीमत होती है वो डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चलाना होता है इसको. ठीक है, डिजिटल कैमराज क्विक है और बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज देता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी अब अवेलेबल है, बहुत अच्छे और इमेज हो जाता है, वाइड वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नाउ अवेलेबल. हाइयर क्वालिटी मींस लार्जर फाइल साइज, ये कह रहे हैं भाई हाइयर क्वालिटी होगी तो लार्जर फाइल साइज भी होगा, विच कैन बिकम एक्सपेंसिव, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, और मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. अच्छा जी,
आगे हम जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। अब आप अपने माइक ऑन कर दीजिए हाजरा समरीन, और ये बता दीजिए कि आपको समझ आ चुका है इनपुट डिवाइसेस में कोई मसला है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जी सर, समझ आ गया। अच्छा ठीक हो गया। समरीन आपको समझ आ गया, मैसेज कर दें अगर बोल नहीं सकती। ठीक हो गया, दोनों को समझ आ गया, और ठीक है सबको समझ आ गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट रिसीव द प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रेजेंट। अब इनपुट डिवाइसेस तो हमने एंटर कर दिया कंप्यूटर में, वो फैसिलिटेट भी कर दिया। अब आउटपुट डिवाइसेस हमें कुछ देगा, आउटपुट देगा जो हम मांगेंगे। लाइक हम प्रिंट मांगते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस देगा, हम डिस्प्ले मांगते हैं तो मॉनिटर देगा, ऐसी चीजें हमें आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, सबको पता है कि डिस्प्ले देता है। मॉनिटर इज अ बिट लाइक टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है, ये हमें डिस्प्ले दे रहा होता है। पीसीज होते हैं कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स, ये हमें डिस्प्ले दे रहे होते हैं। लैपटॉप्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, ये आप सबको इजी रहेगा याद करना क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ये कह रहे हैं ओल्ड फैशन जो होते हैं लार्ज एंड बल्की, ओल्ड फैशन जो डिस्प्ले दे रहे थे मॉनिटर या टीवी, वो कैथोड रे ट्यूब से चल रहे थे, और उसकी में जो है अब नए नए जो LCD LEDs आ गए हैं वो बहुत ही फ्लैट स्क्रीन टेक्नोलॉजी की है और उसमें बहुत अच्छा फायदा है हमारा। ठीक है, तो मॉनिटर पहले कैथोड रे ट्यूब वाले होते थे, वो बहुत हैवी किस्म के, और अब द स्क्रीन रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्चर्स डॉट्स। ठीक है, अब ये याद रखना कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होती हैं, डॉट। जब ज्यादा जूम करो तो एक पिक्चर में डॉट नजर आते हैं, ये डिस्प्ले डॉट से बनता है उसे पिक्सल्स कहते हैं। यूज टू बिल्ड अ पिक्चर। ठीक है, फ्यूअर पिक्सल्स प्रोवाइडेड लोअर रेजोल्यूशन, जिसके थोड़े डॉट्स होंगे फ्यूअर पिक्सल्स होंगे वो लोअर क्वालिटी इमेज देगा, और जो जिसके हायर पिक्सल्स होंगे वो ज्यादा क्वालिटी के इमेज देगा। ठीक है, तो मॉनिटर में डिस्प्ले देंगे तो हम वो आउटपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर्स क्या होता है, प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स आउटपुट अ पेज। हमने इनपुट के लिए टाइपिंग की और हमने प्रिंटर से आउटपुट डिवाइस से हमने प्रिंटिंग वो प्रिंटेड जो पेपर है वो हासिल करना है। प्रिंटिंग कैन बी इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, कलर में भी अब अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी है। अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इंक्लूडिंग 3D प्रिंटिंग डिवाइसेस भी अब आ चुके हैं, और बहुत सारे प्रिंटर्स हैं। ये हम आगे इसी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, हमें उनका पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉनिटर्स प्रिंटर्स LCDs वाला, और इसमें से MCQs लाजमी आते हैं। ठीक है, स्पीकर्स एंड हेडसेट्स, स्पीकर्स आर अटैच टू कंप्यूटर, ये हमें एक साउंड क्वालिटी आउटपुट ऑफ साउंड दे रहा है। ठीक है, द साउंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड कार्ड। ये स्पीकर्स रेंज फ्रॉम सिंपल सिंगल स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस ऑफरिंग लो क्वालिटी ऑडियो टू साउंड मल्टी चैनल्स यूनिट सेंडिंग डिफरेंट आउटपुट टू मल्टीपल स्पीकर्स इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, ये एक स्पीकर जरूरी नहीं है एक ही स्पीकर से आवाज आए, काफी स्पीकर से आवाज आ सकती है। मस्जिदों में देख सकते हैं, शादी हॉल में सॉन्ग्स देख सकते हैं आप, मल्टीपल स्पीकर्स होते हैं और वो हमें साउंड देते हैं। आप क्या कह रहे हैं, हेडसेट्स और हेडसेट्स क्या होते हैं, हेडसेट्स जो हेडफोन्स हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है, इनसे भी हमें आवाज आती है, और ये दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी एज एन इंक्रीजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो स्काइप हो गया, अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी सॉफ्टवेयर हो गया, और बाकी ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जिसपे आप हेडफोन्स यूज करते हैं ताकि क्वालिटी भी मेरी साफ जाए और लोगों को सुनाई दे, बच्चों को सुनाई दे, और क्या कहते हैं आपको भी अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आउटपुट मे बी मेड टू सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस सच एज DVD और CD। कह रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस भी कुछ होती हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेस में होती है। कैसे, DVD और CD में स्टोरेज होती है, जगह होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में होती है, सॉरी रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी USB में होती है, ब्लूरे ड्राइव में होती है, जो कि हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ दे रहा होता है। स्टोरेज में हमने कोई जगह में कुछ ना कुछ चीजें रखी होती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है, अ प्रोजेक्टर कैन बी थॉट ऑफ
एज अ वेरिएशन ऑफ मॉनिटर, जैसे कि हमारे कॉलेजेस में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और वो हमें डिस्प्ले दे रहे होते हैं, ये भी डिस्प्ले दे रहे होते हैं, विजुअल डिस्प्ले प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन. थिंक ऑफ सम ऑफ द लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन यू अटेंडेड. ये आप भी लैपटॉप या मोबाइल पे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये भी इसकी एग्जाम्पल है. मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये हमें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में प्रोजेक्टर ज्यादा काम आता है, जबकि प्रेजेंटेशन कॉलेजेस में आपने देखा होगा आजकल हर कॉलेज में ये अवेलेबल है. ठीक है, आगे हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब इससे बनता है. ठीक है, वर्सेस कैथोड रे, ये वाली चीज होती है, ये जो इसकी बैक पे है, ये मॉनिटर की बैक पे, इधर कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा होता था, इसका वजन भी ज्यादा होता था कंप्यूटर का. अब एलसीडीज आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं, अब ऐसी एलसीडीज आ गई हैं. ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, कंपैरिजन होगा सीआरटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, प्रिंटर्स वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक. ठीक है, तो अभी मगरिब होने वाली है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आईटी का भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी मैं आज अवेलेबल कर दूंगा. ठीक है, ये जो हो रहा है, ताकि आप लोग बार बार इसको पढ़ो और आप बार बार इसको देखो और आपको इजी हो, और जो भी क्वेश्चन होगा, टेस्ट सेशन आपका मंडे को स्टार्ट होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आपका, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, तो आज की क्लास से पहले मैं दोबारा पूछता हूँ कि अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं है तो फिर भी बता दें. सर, टेस्ट पूरे चैप्टर का होगा या जितना भी पढ़ लिया होगा मंडे? मैंने आपको ना टेस्ट स्केड्यूल शेयर कर दिए हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या डिलीट हो गए, आप दोबारा मुझसे कह देना, तो मैं आपको दोबारा टेस्ट स्केड्यूल व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, उसके मुताबिक आपके जून अटेम्प्ट तक आपके टेस्ट ऑनलाइन होते रहेंगे. ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको जो पढ़ाया जाए वो जाया ना जाए. ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज. कल आपकी जो क्लास होगी वो मैं आपको बता दूंगा, इसी टाइम होगी शायद, लेकिन अगर ना होगी तो मैं आपको बता दूंगा. ओके, अल्लाह हाफिज.